बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जोशी गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत मामले में घटना के 1 सप्ताह बाद अब प्रभावित परिवार के सदस्य सामने आए हैं। बच्चों के पिता, दादा व चाचा ने न्याय की गुहार को लेकर बागेश्वर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है। साथ ही पत्रकारों से भी बात करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। परिवार ने मीडिया के जरिए लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मृतका नंदी देवी तथा उसके 3 बच्चे भय व दहशत के साए में जी रहे थे, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। परिवार ने आरोप लगाया कि भय व दहशत के कारण ही बच्चों का पिता गोपाल राम भी घर से दूर चला गया था। मृतक बच्चों के दादा हर राम, चाचा मनोहर राम ने भी न्याय की गुहार लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही जिन लोगों ने परिवार के सदस्यों का उत्पीड़न किया है उनकी भी गिरफ्तारी करने की मांग की है। अब इस मामले में पुलिस पर निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी इसके खिलाफ हमने कुछ जो ये घटना घटी थी वो मेरे बड़े भाई भोपाल राम की घटना है, परिवार की घटना है, वो मेरी भी परिवार की घटना है। तो इस संबंध में हम यहाँ भी कोतवाली में आए थे, कुछ कागज हमने देने थे। जो पहले मैंने उन भाई की अभी थोड़ा स्थिति ऐसी थी उसके अनुपस्थित मैंने FIR दर्ज की थी, उसमें कुछ कागज़ हम और जोड़ना चाहते थे जो भाई अरेस्टिंग के बाद में उसने हमें बताई और परिवार के साथ जो भी उसकी घटनाएं घटी थी और जो भी जिन लोगों ने भी उसको प्रताड़ित किया था, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों ने कुछ मेरे भाई ने कुछ बातें बताई थी, उसको हम कोतवाली में साहब के सामने रखना चाहते थे। इस संबंध में हम कोतवाली आए थे। नीमा देवी की गिरफ्तारी की बात आपने कही है, नीमा देवी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, पुलिस शहरी जांच हो रही, जांच के बाद अरेस्टिंग होगी, आपको क्या कहना है? हाँ, इस संबंध में 17 तारीख के आसपास, इसी महीने 17 तारीख के आसपास हमने यहाँ पर FIR की थी। लगभग 7 दिन हो गए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो इस संबंध में हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की कि आप लोग गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं, क्या कारण है, क्योंकि 4-4 मौतें हुई हैं एक परिवार से। तो उस संबंध में हमने इनसे एक दबाव और एक रिक्वेस्ट जरूर किया है कि आप जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग करें और जो इसके पीछे जिसकी भी गलती है, किसी की भी गलती है, उसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश करें। पुलिस को हमने यही बात अभी करी है। तो पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है, बराबर क्या कह रहे हैं? पुलिस के तरफ से जो रिस्पांस मिला है वो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि जो जांच वहाँ यहाँ हमने जो FIR की है इसकी जांच अभी सुनने में आया कि ये जांच SI कपूर या SO कपूर कर रहा है, तो इस संबंध में यहाँ से जांच वहाँ कैसे गई, यह एक प्रश्न चिन्ह है कि जब कोतवाली में मैंने FIR दर्ज की है तो इसकी जाँच वहाँ कैसे गई, क्यों यहाँ बागेश्वर कोतवाली की पुलिस इतनी मतलब असमर्थ थी कि इसकी जाँच नहीं कर सकती थी। तो इस संबंध में कुछ मुझे बताया गया अधिकारी द्वारा कि यहाँ का कुछ इस तरह का मतलब मामला है और इस संबंध में मैं थोड़ा सा अधिक नहीं कहना चाहूँगा अभी। हम भोपाल राम ने भी परिवार को नहीं देखा कर आरोप है और आपने भी नहीं देखा, इस तरह का भी कहा जा रहा है इस संबंध में भी देख लेते आप लोग तो हो सकता है 4 बच्चे तो बच्चे जाते। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं मिल पाई थी समय से, मुझे कोई ज़्यादा इस बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन जो उसका बताया जा रहा है सोशल मीडिया में कई बातें जो बताई गई है अभी तक वो हमारे परिवार के द्वारा कुछ भी नहीं बताई गई है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई इंटरव्यू अभी तक हुआ नहीं है, किसी भी हमारे परिवार के सदस्य ने कोई बातें नहीं की है। आप संपर्क में रहते थे उनके टेलीफोन या? बिल्कुल, मैं आपको दादाजी से अभी होली के आसपास उनकी बात हुई थी, उनके दादाजी जो है उनसे बात हुई थी और मेरे से बात, मेरे बच्चों से अधिक बात होती है क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूँ, मेरे से कम बातें, मेरे बच्चों से बातें होती हैं, हमेशा बातें होती रहती हैं। लेकिन उस टाइम पे लगभग कुछ समय से हमसे बातें नहीं हो रही थी, इस दौरान तो नहीं हुई थी, लेकिन कुछ समय 1-2 महीने पहले से मेरे परिवार से और मुझसे कोई ऐसी तरह की बातें नहीं हुई थी। हाँ, मेरे पिताजी को जरूर फोन आया था, मेरे पिताजी से बात हुई थी होली के आसपास। तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की किस हाल में बच्चे हैं आपके? बिल्कुल, मैंने जानने की कोशिश की, मेरे बच्चे बताते थे कि ठीक ठाक है और मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी बातें थोड़ी कम होती थी, मैं बिजी रहता हूँ, मैं पापा लोगों से भी थोड़ा कम ही बात कर पाता हूँ, कभी पिताजी का ही फ़ोन आ गया तो रिसीव कर लेता हूँ, कभी भाई का फ़ोन। 4 महीने पहले इससे बात हुई थी, 3-4 महीने पहले इससे भी बात हुई थी, इसने बताया ठीक ठाक हालत में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर ऐसी मैं ये सोचा था कि कोई दिक्कत अगर होगी तो मुझे फ़ोन आ ही जाएगा, मैं इस उसमें रहता था और टाइम में जब भी उन्हें कोई दिक्कत इस टाइप की होती थी तो मुझे फ़ोन करते थे, इसलिए मैंने जानने की कोशिश नहीं की। इसमें जो मेरा भाई मुझे मिला था अभी उसके बाद उन लोगों ने बताया मुझे कि ये नीमा देवी और कुछ लोगों के साथ में हमेशा आती थी
और आने के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता था। और कुछ लोग उसमें पुलिस वाले बताते थे, अब वो थे नहीं थे, ये तो गांव के लोगों से बात करने के बाद पता चलेगा। तो उनको उनका सिलेंडर, उनकी जो भी चीज़ें हैं, लकड़ी में खाना बनाते थे वो लोग, उनके जो भी राशन के सामान थे, और ये बता रहा था मेरा भाई, उसी के बातों को मैं रख रहा हूँ, और कई चीज़ें उनके जो भी उन्हें चीज़ें मिली, जो भी सामान उनको मिला वो उठा के ले गए। हो सकता है कि, मुझे लगता है कि इस कारण से भी वो पटारी करके जाते थे, बहुत परेशान करके वो लोग जाते थे। इस संबंध में मुझे जानकारी मिली मेरे भाई द्वारा। हाँ, ये बात वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग आते थे वो लोग गैस सिलेंडर भी ले गए, वो अनाज के कट्टे थे तो वो भी ले गए, कई चीज़ें ले गए, क्योंकि उनके पैसे देने थे ना, उनके पैसे कुछ देने थे, लेने का मामला इसका चल रहा था। तो भाई को भी उन लोगों ने दबाव में लिया था। जब भी भाई घर जाता था, तो उसे पुलिस वहाँ पहुँच के उसको अरेस्टिंग का धमकी देती थी, इसलिए पुलिस की अरेस्टिंग के डर से घर नहीं जा पा रहा था, एक तारीख से घर नहीं गया था। इस संबंध में मुझे पता नहीं है अभी ये पैसे किस लिए ले गए थे, लेकिन इसका एक लिखित पलट के नोट पे लिया कि कुछ पैसे इसने लिए थे, पर उसमें खुलासा नहीं किया किस लिए पैसे लिए गए थे। हाँ, लेन देन इसका था, लेकिन किस लिए ले गए थे मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा है, मैं शिखर बनार का दास हर राम जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर थाने से बोल रहा हूँ कि यहाँ मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तीन दो नाती थे, एक नातिन थी, एक तो 10 महीने का नाती था मेरा। यहाँ घर में आते थे जाते थे, घी पानी लेके आते थे, चावल आटा लेके आते थे, हम उनकी देख रेख करते थे, छुट्टियों में घर भी आते थे जाते थे। और बीच में एक बार उनके पास फ़ोन नहीं था, न मालूम फ़ोन में पैसे नहीं थे क्या देते, उन्होंने फ़ोन मेरे साथ वो नहीं किया। फिर हाल 15 दिन, मरने से 15 दिन पहले फ़ोन भी आया था, टेस्ट हुए कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है फिर टेस्ट के बाद घर आ जाना, मैंने भी कहा मैं क्या जानता। उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि यहाँ पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं। बच्चा मेरा कहीं बाहर शाही में काम करने के लिए गया था, अपना काम करके उनके पैसे दूंगा करके गया था। तो मेरे को 9 तारीख होली के उस दिन रात को, छरड़ी के दिन रात को, वो बच्चे शाम को तो बाहर देखे, बल लोगों ने, वहाँ सबूत है। फिर शाम के बाद रात में दूसरे दिन 9वां दिन वहाँ पर ये पुलिस वाले गए, तो इन लोगों ने वहाँ पर कह कर तभी वो अखबार में सभापति के ढूंढ में 12:30 बजे रात मेरे घर में आए। तो मेरे को सर ऐसा है, दुनिया में एक मरे हुई जानवर की खाल अगर 15 साल में मिल रही है तो उसको उम्र कैद की सजा, ये भारत सरकार की संविधान का नियम बनाया हुआ है। मेरे घर से 4 व्यक्ति मरे हुए हैं बागेश्वर के अंदर, घर के अंदर, चाहे जहर खा के मरे या किसी ने मार के डाले, अंदर से छिटकन बताते हैं, बाहर से खुला दरवाज़ा बताते हैं। और मेरी नातिनी ने 7 पेजों में पूरा दुख दर्द भर के मैं अपनी आत्महत्या कर दी। मेरी नातिनी को, 1.5 साल की नातिनी को, ये नीमा देवी वगैरह वगैरह इन्होंने बलात्कार का लगा रखा है, हम तुम हमारे पैसे नहीं दोगे, तेरा बलात्कार करवाएंगे मैं करके, इस ढंग से धमकी दे करके मेरे नाती, मेरे दो नाती, एक नातिनी, इस बाग बहु, ये 4 आदमी बागेश्वर में जहाँ मेरा डेरा था, इस कमरे में। अब मैं ये चाह रहा हूँ सर, वो जिंदा तो हो सकते हैं नहीं, मैं सयाना आदमी हूँ, जो हुआ तो हुआ, लेकिन मेरा दिल कैसा हुआ होगा, ये सारे भारतवर्ष के आदमी, फिलहाल उत्तराखंड भारतवर्ष देखें कि मेरा दिल कैसा हुआ होगा। मेरे दो नाती, एक नातिनी, एक बहु खत्म हुई है बागेश्वर, किसके उत्पीड़न से हुई है, मेरे बच्चे के उत्पीड़न से हैं, उम्र कैद की सजा क्या है, फांसी दो, और किसी के माध्यम से करवा करके है तो उसको फांसी दो, न्याय दो मेरे को, मैं न्याय के लिए आया हूँ। कोई किसी पैसों के बारे में, तुम्हारी गाड़ी के बारे में, तुम्हारे लेन देन के बारे में, तुम्हारे घर गृहस्थ के बारे में, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा का जवाबदार नहीं। मैं धार्मिक आदमी, पूरे उत्तराखंड में पूछा जाए, मैं शिखर बनार का हर राम दास प्रसिद्ध हूँ। तो सर मेरी यही विनती है, मैं किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, झगड़ा करने के लिए। इतना दुख दर्द भरा हुआ मेरा शरीर, मैं इस बागनाथ की भूमि में जो थाना है, इस थाने से मैं अपना न्याय मांग रहा हूँ, न्याय मांग रहा हूँ। अगर ये न्याय मेरे घर में नहीं आया, मेरे पास 4 आदमी और है, 4 आदमी भी यहीं पर या भूख से मरेंगे या हम जहर खा के मरेंगे अगर न्याय नहीं मिला। मैं पुलिस से ये चाहता हूँ कि मेरे अंजनी जो है, मैं अब
मेरे ऊपर कहने की ज़्यादा क्षमताएँ नहीं रह चुके हैं। मैं ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत लाइक करता था कि जो बच्चे पढ़ने में आगे हों, फिर कोई चीज़ भी आगे हो। घर से भागे क्यों थे फिर जब बच्चे घर पे थे तो? तुमने घर पर रहना चाहिए? मेरे पीछे पुलिस लगती है, मेरे पीछे पुलिस लगती है। मैं थल मुआनी की तरफ भागता भी नहीं हूँ, मैं जाता हूँ। अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा तो मेरी लड़की का पेपर का टाइम है, पिछले साल ख़राब हुआ, चलो मैं पुलिस से तो बच लूँगा आउट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेरे ऊपर कोई केस लगता है, 4 लाख रुपया लिया है इसने करके। मैं थाने पर आता हूँ, कोतवाली साहब मेरे को बैठाते हैं, उसका समझौता कराते हैं, लेकिन मैं इतनी परिस्थिति से, एक गाड़ी बोलेरो होती है मेरे पास, जो मैं उस बोलेरो को जो है मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थिति इतनी गंदी थी। कोतवाली साहब आते हैं उसको बैठा के और सिपाही बैठ के आता है, तो गाड़ी मेरे को बनते ही वहाँ दी जाती है। मैंने उधार पुधार किसी से कर्जा ले लूँ कि मैं वो गाड़ी को रोड में लाता हूँ। तो मुझे और मेरे बच्चों को प्रताड़ित करने का कारण मेन ये रहा कि जिसे मैं गाड़ी लेता हूँ वो और नीमा देवी रिश्तेदार होते हैं। मैं अपनी इस बात को रखना चाहता हूँ कि जो अभी पेपर पे जो चल रहा है ना, वो मेरे घर पूछा जा रहा है, ना मेरे माँ बाप को जाना पूछा जा रहा है, और न ही मेरे बहू को पूछा जा रहा है, ना मेरे मायका पक्ष में कोई ऐसा बंदा वहाँ भी हो सकता है कि मतलब सोए हुए हैं, मुझे पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। पुलिस जब मेरे को 4 रात तक दौड़ा सकती है तो मैं किसी जंगल से रास्ते भाग जाता हूँ। 2 महिलाएं आते हैं मेरे सामने, कपड़े खोलते हैं, खोलने के बहाने बनाते हैं, और 8-6 पुलिस वाले भी आते हैं। तो मैं चलता हूँ, भाग नहीं जाता हूँ, डर तो हर किसी को होता है। मैं उस दिन उडियारी बैंड से अपने ढोलों को गिनती रख के जो है अपने बच्चों के लिए 1500 रुपये की व्यवस्था करता हूँ। मैं ढोल बनाता हूँ, मैं 10,000 बार घर में मेरा एक ढोल जाता है। मैं इस स्थिति को संभालना चाहता हूँ, जब मेरे को मौके देना, मतलब चाहता था कि मतलब मेरे को इस तरह से मतलब पीड़ित न किया जाए। मैं भाग इसलिए रहा था कि जो मुझे पीड़ित करते थे, मतलब या था जो भी था, लेना देना सबका है, और जिसने जिसको मैंने देने हैं उसने कोई पीड़ित नहीं किया। मेरे पास एक दो कोरंगा जी हैं जिन्होंने मुझे दिया है। ऐसे लड़के, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मेरे दिल पे है, मैं नहीं तो मेरा भाई, नहीं तो मेरा बाप, मिलके हम उसको पेमेंट करेंगे, समझाएंगे कि मैं इतना ही दे सकता हूँ। आज उसे भी शायद दर्द होगा कि भोपालदा के साथ ऐसा हुआ, ताकि मैं उससे मेरे को देना है। ये पता किसी को नहीं होता है। कपूर से दरोगा साहब आते हैं, लेकिन वो अनुभव से बोलते हैं, या उनको जो फ़ोन कर रहा है उसका सबसे इस केस पर दबाव मानूंगा मैं। वो बोलते हैं कि आपने वहाँ से 3 लाख रुपया दे लिया, और आपकी उस दिन उसकी लड़की जो है शादी थी और मर गया। ये झूठी रिपोर्ट लिख के मेरे कपूर के बता रहे हैं कि आए थे, मैं जानता हूँ, मैं पहचान भी सकता हूँ उनको। तो ये सारी चीज़ें लेना देने का क्यों है, कोई बात नहीं, लेने हैं। मैंने किसी से मैंने 10,000 रुपये ढोल देना था, मैं ढोल भी ले आता हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि मेरे काम पहले गांव चले जाती है नीमा देवी, गांव में माँ बाप को तंगी की जाती है, और फिर पड़ोस पे कहाँ बैठती है, मीडिया की जांच, और थाने से जांच नहीं हो पाएगी, मैं इसकी CBI जांच मांगूंगा। मेरा रहा कुछ भी नहीं है, बच्चा समाप्त हो गया। मेरे बच्चे बहुत होशियार थे, अगर मैं मेरे बच्चे के लास्ट में मेरा हाथ का 1 भी 10 पैसा उनके चिता में नहीं गया होगा। ऐसी बेटियाँ बहुत कम जन्मते हैं और बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि पहले मेरे बहनें जब मरते हैं तो हमें बहनें नसीब नहीं होते हैं। आज हमारे घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो वह बहनें के जगह में ऐसी जगह में मौत होती है। अरे उनको न्याय कैसे मिलेगा अब ये बताओ? न्याय उनको ऐसे मिलेगा कि मैं इनको अपना एक मृत्यु इंजेक्शन जो इनका आदेश के अनुसार मिलता है कोर्ट के, मुझे ये दिया जाए, और उनके न्याय के लिए मैं जो बात रखना चाहता हूँ। मैं बागेश्वर थाने पे आया हूँ, और बागेश्वर थाना जो है मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है, कर भी नहीं पाएगा शायद, लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें आप इस बात को तो मानते हो कि आपने समय रहते परिवार की देखरेख नहीं की? देखरेख मैं समय से परिवार के अंदर जरूर रहता था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे परिवार के अंदर रहने का मौका नहीं दिया, क्योंकि अगर 2 बजे तक दौड़े आएंगे क्या आप रहोगे क्यों? आपके सामने अगर कोई महिला, 2 महिलाएं कपड़े, क्या मैटर है तेरा और मेरा? मैटर कुछ भी नहीं है। मैटर को मैं अभी कल आता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कल दूसरा मैटर दूंगा।
अगर आपके पास समय है तो इसकी हकीकत सुनने के लिए सभी उत्तराखंड के भाई बहन सभी लोग ऐसी घटनाएं अभी बहुत परेशान है। कोई 1 लाख रुपया लेता है तो 1.5 बना देता है। अगर भैया यार 1 लाख रुपया नहीं दे रहा है तो 1.5 कैसे दे देगा वो। अगर मैं कहीं पर 4,000 रुपया ले रहा हूँ तो उसको 4 लाख बना देगा। अरे दोस्त ठीक है, देना लेना तो तेरे बाद मेरी ज़िंदगी में चलते रहेगा, कोई बात नहीं। और तेरे जिसे मुझे देने हैं, अब मैं तुमने मेरे को ख़त्म कर तो करवा दिया, लेकिन मुझे उन पर ही शक है जिन लोगों ने लेने देने वाला मेरे सामने नहीं आता। कभी मेरे को पीड़ित लेने देने वालों ने नहीं किया। आपको ये लगता नीमा देवी और ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, जो मैं दो पुलिस वालों का जो मैं एग्जीक्यूट जो कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दबाव इस पर ये रहा। कोतवाली साहब का कोई इतना बड़ा दबाव नहीं रहता, लेकिन वो थाने इंचार्ज से मुझे बुरा लगा कि मतलब लाइन हाजिर हो गए। बल ऐसे अधिकारी कम मिलते हैं, बात करता है उनका सही रहा सबका, कोई गलत कहे पे मीडिया भी गलत न फैलाएं। अफवाहें जिन लोगों ने मेरे बारे में गांव जाते हैं दुर्गा साहब कपोर्ट से, आप सभी ध्यान से सुनना इस मीडिया के लोग मैं बात कर रहा हूँ। गलती किसकी थी, किसकी गलती, बच्चों ने खामियाजा उन बच्चों ने भुगता ना, ये भी तो कितनी बड़ी मीडिया जाते हैं। मैं शुरू से बात नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ बातें अच्छी तरह से मैं आपके थ्रू दूंगा। दुर्गा साहब मेरे घर पहुँचते हैं, मेरे माँ और मेरे बाप के दरवाजे पे लात मारते हैं और सीधे अंदर घुसते हैं तो कहते हैं कि बोला वो कहाँ है, वो नीचे ऊपर सब देखते हैं। तो सीधे मेरे बाप को बोलते हैं तेरे लड़के ने जो है वहाँ जो है आदमी मार के काट के, और प्रधान को भी सारे गांव में यही फैलती है कि मार प्रधान को पहले वही सूचना मिलती है और प्रधान सभी जगह मतलब इस तरह की हवाएँ फैला देता है कि मतलब ये है राजनीतिक पे इस मामले को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहाँ पर पहुँचता, बाप रोने लग जाता है क्योंकि नाती पोते हैं ऐसा तो था नहीं करके। तो दूसरा आदमी एक ऐसा भी बोल रहा है कि बोला उसको मैंने 1 महीने पहले मरा हुआ देखा करके मेरे को, और उसकी भी जांच करे पुलिस वाले, कल उसको ले आए और पूछा मेरी जगह में कोई मेरा जैसा कोई और बंदा तो नहीं मरा है। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।